कि भारत सरकार को क्या ऐसे विशेष कदम उठाने चाहिए चीन का पक्का हल करने। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ वो मैं मानता हूँ भारत सरकार जो करे करे, लेकिन उससे पहले हम भारतीयों को करना पड़ेगा, हमारी भी अपनी जिम्मेदारी। और हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है कि हम चीनी सामान का जहाँ तक हो सके बहिष्कार करें, क्योंकि कोई भी देश आज ताकत तब बनता है जब उसके पास आर्थिक ताकत होती है। आज सिर्फ सैन्य ताकत नहीं होता, सैन्य ताकत आज की तारीख में किसी देश की सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक ताकत होती है। और चीन आर्थिक रूप से जो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हम भारतीयों को कम से कम ये कदम ज़रूर उठाना चाहिए कि हमको जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए। चीन को हम किसी हिसाब से भी अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं एक आम भारतीय होने के नाते, तो पहले तो हमको ये करना चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात है, मुझे लगता है सरकार को अब पक्के इलाज के बारे में सोचना चाहिए चीन के, जैसे पाकिस्तान का चल रहा है। पक्का इलाज करने की जिस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल हमने हर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया। पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, और पाकिस्तान को हम धीरे धीरे कमज़ोर करने की जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वही काम हमको चीन को लेकर करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा, हर तरह से करना पड़ेगा। हम आर्थिक रूप से देखें कि किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके बाद हम सैन्य रूप से जो है सामरिक रूप से सैन्य रूप से कितने मजबूत हो सकते हैं चीन का मुकाबला करने के लिए, वो हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से चीज़ें होती हैं, इसको देखते हुए इसलिए जो है इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत को अपनी तैयारियां करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद अब भारत जो है वो सही दिशा में चल रहा है, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी सही दिशा में सोच रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पर मेरा मन कहता है कि अगले एक आध साल में चीन के मोर्चे पर हम कुछ बड़ी चीज़ें होते हुए देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम आ गया है और वो चीज़ शुरू हो गई है। अंत सबसे में पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया, और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज एक बार अपना हाई कह दीजिए, और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं आज पहली बार विनी से मिला, और विनी का जज्बा देखकर मुझे जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया, ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े, और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें, ये मैं आप सब से अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।